हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक तिवारी। जैसे कि हम जानते हैं कि मनोज दे एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो आज हम उनसे सीखेंगे कि वो अपना प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्पॉन्सर्ड बाय कैमरा गार्ड। दोस्तों, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपके कैमरा को प्रोटेक्ट करता है। मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जब अपने फ़ोन पर यूज़ करते हो तो ये जो है कैमरा एक्टिव रहता है, और हो सकता है कि आपके कैमरा को वो हैक करके आपका एक्टिविटी सारा वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर ऑफ है, इसको ऑन कर दीजिए। या क्या हुआ कि आपका अब जो कैमरा प्रोटेक्टेड हो गया है, अब आप कोई भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करोगे तो आपका कैमरा से जो है कोई भी हैक नहीं कर पाएगा, ना ही आपका एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर पाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने उसे ऑन किया, अब मैं कैमरा को ऑन करता हूँ तो देखिए ओपन नहीं हो रहा, कैमरा हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो इस तरह का है, तो कैमरा आपका जो है प्रोटेक्टेड हो चुका है। तो इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर चेक करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी जिससे मैं थंबनेल बनाता हूं अपने, तो वो है पिक्सल लैब, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे है। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा जिससे कि थंबनेल बनता है HD क्वालिटी का। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को जो है आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका नाम है पिक्सल लैब, आपको प्ले स्टोर पे जो है सिंपली से मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले आपको उस फोटो पे जाना है जो फोटो का आपको थंबनेल बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको फोटो क्लिक करवाना होता है। ये देखिए मेरा ये फोटो है, तो चलिए मैं इसको थंबनेल बनाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, फोटो पे जाने के बाद सिंपली से सेंड के ऊपर क्लिक करना है, और सेंड पे आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा पिक्सल लैब का। तो पिक्सल लैब का आपको सिलेक्ट कर दीजिए, ये फोटो रिडायरेक्ट होकर चली जाएगी पिक्सल लैब पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बैक करूँगा तो ये देखिए, ओके, इसको मैंने एग्जिट किया तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है पिक्सल लैब के ऊपर ये फोटो। इसको साइज सेलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ये आप देख सकते हो ये साइज है इसका 16:9 रेशियो में। ठीक, इसको साइज को सेलेक्ट करने के बाद ओके, तो ये हो गया मेरा फोटो, यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर सिंपली से करता हूँ ब्लैक शैडो देता हूँ इस साइड से। तो वो कैसे करता हूँ, तो दोस्तों ब्लैक शैडो का एक फोटो आपको डाउनलोड करना होगा, जिस फोटो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप सिंपली से उस शैडो को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन पे। तो मैंने जैसे यहाँ पे करके रखा हुआ, ये है एक ब्लैक शैडो का फोटो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ला करके ओके करता हूँ। तो ये देखिए ब्लैक शैडो मेरा साइड पर आ गया है। इसको थोड़ा सा यहाँ से घींच के कर्सर को इसको बड़ा कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ अपने साइज पे यहाँ पे सिलेक्ट। तो ये देखिए, ये मेरा जो है ब्लैक शैडो यहाँ पे लग चुका है। तो इसी तरह से मैं अपने फोटोज पे करता हूँ, ब्लैक शैडो लगाता हूँ थंबनेल्स पे। अब इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लाइक कुछ भी। तो आपको जो भी लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी लिखना हो लिख दीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ स्पॉन्सरशिप, ये लिखा, तो इसको मैं जो हूँ यहाँ से लग आ गया। अब इसका मैं टेक्स्ट का कलर चूज़ करूँगा, तो ये कलर मैंने दे दिया येलो। येलो देने के बाद फॉन्ट पे चलता हूँ, फॉन्ट पे जाने के बाद मैं ये वाला फॉन्ट अभी यूज कर रहा हूँ, थर्ड नंबर वाला, इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए स्पॉन्सरशिप लिखा गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्पॉन्सरशिप को, इसको बड़ा कर दिया तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए स्पॉन्सरशिप लिखा हुआ आ गया मेरा फोटो के ऊपर। और कुछ लिखना तो फिर से आपको टेक्स्ट पे जाना है, फिर से एडिट पे जाना है, और यहाँ से स्पॉन्सरशिप के कितने पैसे, इस तरह से मैं बनाता हूँ यहाँ से क्वेश्चन मार्क, ओके, तो ये आ गया। अब ये वाला टेक्स्ट भी आपको जो है यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करना होता है, फॉन्ट पे मैंने ये फॉन्ट दे दिया और इसको जो है यहाँ से घींच दिया, तो ये आ गया बीच पे। इसको भी आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो स्पॉन्सरशिप के कितने पैसे। तो ये देखिए मेरा थंबनेल जो है तुरंत से रेडी हो गया, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। ये देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, और प्रोफेशनल भी लग रहा है। अब इसको जो है थंबनेल रेडी हो चुका है, यहाँ से आपको 3 डॉट पे जाना है एंड एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, देन यहाँ से सेव टू गैलरी, बस ये हो गया गैलरी पे सेव। तो इस तरह से मैं दोस्तों अपने थंबनेल्स को बनाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मेरा थंबनेल रेडी है। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, ओनली 5 मिनट से भी आपको कम का समय लगेगा जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा पिक्सल लैब, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये ब्लैक शैडो वाला फोटो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, जाकर के आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, इसको यूज कीजिएगा। तो इस तरह से मैं अपना थंबनेल बनाता हूँ। तो दोस्तों, सिंपल तरीका है, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो प्लीज़ जय हिंद, वंदे मातरम।